आपके शरीर का जो रक्ताभिसरण है, ब्लड सर्कुलेशन, ये फास्ट होता है। आपके शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है और आपके शरीर में अतिरिक्त मेहनत के लिए वो लचीलापन प्राप्त होता है। और इसलिए आप देखते होंगे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फुटबॉल स्टार्स या और भी अन्य खेलों के जो खिलाड़ी है, वो वार्म अप करते हैं, अपने आप को गर्म करते हैं खेलने के लिए। योगेश पेड़कर रायगढ़ का फाइटर जेट और साथ में रजत मुंडे चांबरली का चार्मिंग क्रिकेटर, टी मडल हितेंद्र जाडेजा ले चुके हैं, वनराज सिंह गोहिल की टीम है, बालाजी बी राजकोट और अंजू अनवी इनकी टीम है MUCC संबलपुर ओडिशा। तो यहां पर पिछले चार दिन में खेलने वाली तमाम टीमों का बहुत बहुत आभार, टीमों के ओनर्स का आभार, हमारे मेहमान का आभार, अंपायर्स, कमेंटेटर्स, स्कोरर्स, tenniscricket.in, हमारे डीजे, हमारी केटरिंग टीम, इसके अलावा SGVP इंटरनेशनल स्कूल का विशेष आभार। हम आभारी हैं हर आम और हर खास, हमारी जनता जनार्दन, जाडेजा परिवार, बहती हुई तेज हवाएं आज हम सभी को आनंद विभोर करती हुई, रिबड़ा गांव का क्रिकेट और रिबड़ा गांव का यह टूर्नामेंट आने वाले कई सालों तक लोग याद रखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम इन रिबड़ा। और कल से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा दूसरे संस्करण का, और हम आशा करते हैं कि दूसरा जो एडिशन होगा वो इससे भी भव्य, बिगर, बेटर, बोल्डर एंड ब्रेव होगा। पहले ओवर की शुरुआत होगी और बॉलिंग के लिए अब अपने आप को तैयार करते हुए गेंदबाज, पहला ओवर RAR फाउंडेशन एंड से होगा। दोनों टीमों के 12th मैन भी आ जाएं प्लीज। विरुबा, वी फॉर विक्ट्री, विरुबा वाघेला, W फॉर विन, गो फॉर इट। पावर प्ले की पहली बॉल एंड प्लेस द कॉल। पहली बॉल पर स्ट्रेट ड्राइव, उम्दा फील्डिंग। अब इसको कहते हैं क्रिकेट, फाइनल में इस तरह का क्रिकेट दर्शक देखना चाहते हैं। डॉट बॉल, ₹11 लाख की इनामी राशि, कौन सी टीम जीतेगी इसका फैसला इस मुकाबले में होने जा रहा है। पिछले चार दिनों में तपती धूप और शाम की शीतल छाया में यह प्रतियोगिता खेली गई, डे एंड नाइट फॉर्मेट। एक रन से शुरुआत की योगेश पेड़कर ने, दोनों अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो बालाजी क्रिकेट क्लब बी, जिसमें सारे सौराष्ट्र के खिलाड़ी खेल रहे हैं, और ये भी एकजुट होकर उन्होंने पिछले दो मैच खेले हैं, लगातार तीसरी जीत की तरफ वो आगे जाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया काटा था इस गेंद को, सतह का अच्छा उपयोग करते हुए, एक्सट्रैक्टिंग अ बाउंस फ्रॉम द पिच। जो मध्यम तेज तेज गेंदबाज होते हैं वो पिच को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि पिच पर हमारी कमर कितनी झुकेगी,
बहुत लाइवली पिच तैयार किया गया है। SGVP इंटरनेशनल स्कूल 27 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स है और इसका एक ब्यूटीफुल खूबसूरत ये क्रिकेट मैदान। राउंड द विकेट एक्सप्रेस बॉल स्क्रीमर, बिल्कुल इस तरह की गेंदें जब होती है तो बल्लेबाज के लिए भी कोई चारा नहीं रहता कि इसको छोड़ दें। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की गेंदबाजी वेस्टइंडीज द्वारा बहुत प्रभावशाली रही थी 70 और 80 के दशक में। माइकल होल्डिंग, विस्परिंग डेथ जिनको नाम दिया गया, एंडी रॉबर्ट्स जैसे गेंदबाजों ने इसकी शुरुआत की, द स्क्रीमर्स, द स्टनर्स, जाफा। इस बार स्वीप किया है और एक रन, दो रन बगैर किसी नुकसान के। फुल टॉस बॉल और मिड ऑन के सर के ऊपर से बहुत बढ़िया कोशिश रही थी अपने पीछे की ओर जाते हुए, डाइव लगाकर उनकी उंगलियों को छू कर के नीचे गिर गई और तेजी से रन पूरे किए गए। डगआउट में से तालियों की गूंज सुनाई दी जिस तरह से वो रन को पूरा किया गया। पावर प्ले का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों पारियों में, क्योंकि दोनों टीमों के पास बहुत सशक्त प्रारंभिक बल्लेबाज है। एक तरफ सिकंदर भाटी और विरूबा वाघेला तो दूसरी तरफ योगेश पेड़कर और रजत मुंडे। विरूबा वाघेला ओपनिंग बैटर भी है और ओपनिंग बॉलर भी है, ये बहुत बड़ी खास बात है। नए ओवर की शुरुआत अंकित कल्की द्वारा। ओ, कल्की की गेंद देखिए अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठी थी, आखिरी वक्त पर अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया था। इसको कहते हैं स्नॉटर, ये गेंदों को खेला नहीं जा सकता, इनको केवल छोड़ना पड़ता है। इस बार धीमे से पुश किया है विकेटों के सामने, एक रन और स्कोर आगे बढ़ेगा, पांच रन। योगेश पेड़कर 3 बॉल 3, रजत मुंडे 5 बॉल 2। फुलर लेंथ की बॉल है और बढ़िया गैदरिंग शकील संजट। बढ़िया बॉल अंकित कल्की, क्योंकि योगेश पेड़कर की टीम में भी बहुत बार खेल चुके हैं इसलिए उन्हें गेम प्लान पता है। और अब रिफर किया गया है फॉर वाइड। मॉडर्न क्रिकेट में एक फ़ायदा ये भी है कि यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है, आपकी टीम के जो सीनियर खिलाड़ी आपके मैनेजर हैं कोच हैं उन्हें पता है कि
राइट ही आएगा तो कौन बॉलिंग करेगा, लेफ्ट ही आएगा तो कौन बॉलिंग करेगा, हवा कहाँ से चल रही है, हवा कहाँ पर बंद है, ग्राउंड कहाँ पर बाउंड्री छोटी है, कहाँ पर बाउंड्री लंबी है, ये सारी प्लानिंग जो है ये टॉस होने के पहले होती है। तो ये लीगल बॉल है, स्ट्रेट एंड फुल, फाइव, पावर प्ले में धीमा स्कोर है, फाइनल का एक अलग प्रेशर भी है खेलने का, और शायद वो यहां पर नजर आ रहा है एमयूसीसी संबलपुर पर। एक ही रिव्यू बचेगा इस बार, ओवर पिच बॉल और बहुत ही खूबसूरत लॉफ्टेड ड्राइव, 6 रन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट था, स्ट्रेट सिक्स मारना आसान नहीं है, केवल टाइमिंग पर आप स्ट्रेट सिक्स लगा सकते हैं। और योगेश पिनकर ने बताया कि उनका टाइमिंग कितना अच्छा रहा, स्कोर है 11, 7 बॉल 9 पर खेलते हुए पिनकर। कल्कि के सामने उन्होंने आक्रामक रवैया अख्तियार किया है, बल्ले को तलवार बनाकर उसकी यलगार शुरू करता हुआ योगेश पेणकर। 2 ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं, नए ओवर की शुरुआत। पावर प्ले का रन रेट है 5.5 रन। अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर करेंगे विरुभा वाघेला। तो हम आभारी है रवि टेक्नोकास्ट लिमिटेड, आरटीआई, कुसुम ग्रीन एनर्जी, जेपी ज्वेलर्स, वजूभाई ज्वेलर्स, मनोज सनलाइट इंडस्ट्रीज, आपका बहुत बहुत आभार, शक्तिमान का भी आभार। स्कोर है 12। उम्दा गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट आकर एक एंगल बना रहे हैं, ऑफ स्टंप पर टप्पा खिलाकर रिदम, ऑफ स्टंप। बल्लेबाज के शरीर की हिलचाल पर पैनी नजर रखे हुए हैं वहां पर विरुभा वाघेला। स्कोर है 12। स्कोर धीमा है लेकिन स्लो स्टार्ट कर दी एमयूसीसी संबलपुर, हमने देखा उनके तमाम मैचेस में। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जो जो सहयोग मिला है उसके लिए हम आभारी हैं, रवि टेक्नोकास्ट लिमिटेड, आरटीआई, कुसुम ग्रीन एनर्जी, जेपी ज्वेलर्स, वजूभाई ज्वेलर्स, मनोज सनलाइट इंडस्ट्रीज, इनका विशेष आभार। और क्लीन बोल्ड, व्हाट अ बॉल, उखाड़ दिया स्टंप को। जगह थी कि हमारा मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक का पहिया वहां से निकल जाता,
और क्लीन बोल्ड आरटीआई विकेट, रवि टेक्नोकास्ट लिमिटेड विकेट। अब नए बैटर के रूप में उतरते हुए जिमी जिमी दरबार, क्या बॉल था, ऐसे यॉर्कर हमने पूरे टूर्नामेंट में देखे। हमने करण अंबाला का यॉर्कर देखा, अंकित कलकी का यॉर्कर देखा, सचिन परमार का यॉर्कर देखा, सुमित सोलंकी का यॉर्कर देखा, इमरोज खान का यॉर्कर देखा। जिमी स्क्वायर ड्राइव लगाकर एक रन लिया, एक ही एक्शन में थ्रो था वहां पर, बेहतरीन बैकअप। बहुत उम्दा क्षेत्ररक्षण, महिपाल चावड़ा, सिकंदर भाटी, दीपक गढ़वी, ये तमाम खिलाड़ियों ने जान डाल दी है हितेंद्र सिंह जाडेजा के नेतृत्व में। वनराज सिंह गोहिल की टीम है। अब दो कदम आगे आकर अपनी हुकूमत, सिग्नेचर शॉट, और ये लगा कुसुम ग्रीन एनर्जी फोर। तो थोड़ा जब विकेट गिरी तो गोगी भाई भी पहुंचे थे वहां पर मशवरा लेकर। गोगी गोगली बोगली वॉश, धर्मेश जोशी, स्कोर 18-1। वीरूबा वाघेला 2 ओवर 11 रन, 1 विकेट। जिमी दरबार 1 बॉल 1 रन, रजत मुंडे 8 बॉल 7, बहुत ज्यादा धीमा रन रेट है, पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है बालाजी बी राजकोट ने। नए ओवर की शुरुआत होगी और उसको अंजाम करेंगे आशीष आगरकर। ये वो खिलाड़ी है जिसने हर मैच में विकेटें ली, बल्लेबाजों को ठगने वाला दिल्ली का ये गेंदबाज। लेकिन अब उनका पाला पड़ने जा रहा है जिमी दरबार से। सूरत के जिमी, सूरत के आपने कई खिलाड़ियों को देखा, प्रदीप पाटिल, जिमी दरबार, जिग्नेश पटेल, बंटी पटेल वलसाड़ से, दक्षिण गुजरात के भी बहुत सारे प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में खेले। पहली बॉल पर खूबसूरत शॉट, लेकिन उतना ही उम्दा क्षेत्ररक्षण, जहां 4 रन हो सकते थे वहां केवल 2 रन बनेंगे। भरत राम जो करता है रनों को रोकने का काम, बल्लेबाजी में रन बनाने का करता है काम, करता है विपक्षी टीम का काम तमाम, वो है भरत राम। हर रन को बचाना बहुत जरूरी है। आगरकर, जिमी ने मिस टाइम किया, कैच हो सकता है लेकिन वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे, 1 रन पूरा किया जिमी ने। आगरकर जब बॉलिंग करेगा तो इस तरह की घटनाएं आम है।
सबसे बड़ी बात है ये राइट आर्म राउंड द विकेट हमेशा बॉलिंग करते हैं, इसको बहुत 100 में 1 बार कभी आपने ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए देखा होगा। जब इसके हाथ से बॉल छूटती है भंवरे की तरफ फिर कर आती है, ही इम्पार्ट्स द रोटेशंस ऑन द बॉल, मतलब चक्री घूमती हुई आती हुई गेंदे जिसको पढ़ना मुश्किल है। फुल टॉस की बॉल पर जबरदस्त कंट्रोल है उनका। बिल्कुल नजरें झुकाकर एक रन, रजत मुंडे को अच्छी तरह पता है आगरकर के सामने खतरा लेना ये अपने लिए मुसीबत को न्योता देने वाली बात होगी। आगरकर के सामने खेलना आसान नहीं होता। 3.5 ओवर का खेल, 22 रन 1 विकेट, बालाजी क्लब राजकोट के सामने बैटिंग कर रही है MUCC संबलपुर ओडिशा। अंजू अनवी इस टीम की ओनर हैं। जिमी ने इस बार तांग दिया, जिमी ने बता दिया कि आगरकर को भी 6 लग सकता है। एक और बढ़िया शॉट है और एक और 6, आगरकर को 2 गेंदों में 2 जन्नत और नमकीन। आजा 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 और जिमी आ गया, जिमी ने 2 सिक्स ठोक दिए। आगरकर के सामने खतरनाक धुलाई। अब देखिए लय बिगड़ गई आगरकर की, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, 1 विकेट के नुकसान पर। इसीलिए ये इंडिया का क्रिकेट है, ये टेनिस क्रिकेट है, यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सूरत नी घारी ने सूरत नो लोचो, जिम्मी नी बैटिंग जोवा माटे tenniscricket.in ना यूट्यूब चैनल पर पहुंचो। एक और लगातार, बीच में एक वाइड निकल दूं तो 3 सिक्स लगा दिए जिमी दरबार ने। ऑफ द मैच जीता उसी आगरकर के सामने, वहां पर मोर्चा खोल दिया जिमी दरबार ने और सूरत का यह खूबसूरत बल्लेबाज। और सारे हाइलाइट्स दिखाए जा रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 खोल दिए। और अब एक बहुत बड़ा सवाल या निशान कि क्या आगरकर को दूसरा ओवर मिलेगा। वेट एंड वॉच। जिमी क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। जिमी के बल्लेबाजी में मुझे मोहिंदर अमरनाथ, जिनको जिमी कहा जाता था, उनका अग्रेशन नजर आया। और कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर क्या है? 41 for 1 जिमी दरबार, 6 बॉल 22 पर खेल रहे हैं। और 5वें ओवर की शुरुआत में हमसे जुड़ने जा रहे हैं प्रशांत अधवड़े, हमारे सीनियर कमेंटेटर। सब कुछ अच्छा चल रहा था उसी वक्त, रजत मुंडे ने बहुत बड़ी गलती की है और संबलपुर के उम्मीदों को यह बहुत बड़ा दूसरा झटका।
और यह है सबसे बड़ा त्यौहार, एक एंड पर कमाल कर रहे, पलटवार कर रहे हैं जिमी दरबार। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो रजत मुंडे को इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी, सोच बहुत खराब, क्योंकि एक तरफ जिमी दरबार का बल्ला बोल रहा था, अजीत अगरकर को अनसेटल किया गया था। स्कोर 42, दो विकेट के नुकसान पर, ओवर पांचवा प्रगति पर है। पहले दो ओवर में धीमा स्टार्ट था योगेश पेंडकर, रजत मुंडे एक बार पर रन बनाने में बिल्कुल वो कामयाबी नहीं मिली। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है बालाजी क्लब राजकोट टीम की, और अब जाकर गेंदबाजी में बिल्कुल शौर्य को मौका मिला। पहली गेंद पर रन आउट का विकेट, स्कोर 42, दो विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 10.08 का है। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं मोनिल, जिनके पास काबिलियत है फील्डिंग की, जमावट देखी फ्लैंक स्लिप एक गली की तरफ खिलाड़ी पॉइंट, उसके साथ डीप स्ट्राइक का मिड ऑफ ऑन साइड पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर मौजूद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, अपने बॉलिंग पार पर गेंदबाज तैयार। ऑफ टंप के बाहर गेंद को ऑफ साइड पर खेलना चाह रहे थे, बीट हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। न जाने किसके हाथों में ये आरएआर कप 2024 जीतने की रेखा है, और सारे खिलाड़ी ने ये खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का ख्वाब देखा है। 11 लाख की नकद राशि और खूबसूरत ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए मैदान के अंदर वो बैटल है, कौन विनर बनेगा ये पहली पारी आप देख रहे हैं। इसी रफ्तार के साथ चलते रहे तो प्रोजेक्ट स्कोर 74 दिखाई दे रहा है। ऑफ टंप के बाहर गेंद अच्छी तरह से कनेक्शन नहीं है, लॉक आउट क्षेत्र में गेंद आई है, खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है, जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने एक रन मुकम्मल किया। ओवर पांचवा प्रगति पर है, एक एक रन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आरआर फाउंडेशन एंड राजीव सिंह जडेजा बारिबड़ा प्रेजेंट आरआर कप 2024, ये ग्रैंड फिनाले। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, इसका पता तो बिल्कुल आज ही चलने वाला है। सीजन का ये बहुत बड़ा आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, जिस तरह से टेनिस बॉल की कहानी, आने वाले दिनों में रबर बॉल के बहुत सारे टूर्नामेंट होंगे, लेकिन गुजरात में खास करके राजकोट की अगर बात करें तो इस रिबड़ा के गांव में बहुत बड़ा टूर्नामेंट। ऑन सर पर खेल दिया, मिड विकेट पर बॉलिंग पर खिलाड़ी तैनात है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लेकर बिल्कुल बाहर जाएगी। अभी तो इस बांस की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लागा सविंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, ये तो सिर्फ झाकी है, असली में चुराना बाकी। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। क्या मुकाबला चल रहा है, स्कोर 49, दो विकेट के नुकसान पर, ओवर पांचवा प्रगति पर है। मूल का स्टार्ट अच्छा है। शौर्य की अगली गेंद, ऑफ टाइम के बाहर गेंद, खेलने की कोई कोशिश नहीं है, इस वक्त वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर एस्ट्रा से आंकड़े बदलते हुए अभी तक 4 गेंदों में 9 रन आए हैं, स्कोर 50 रन पूरे हुए हैं। संबलपुर टीम के तालियां तो बिल्कुल बजने वाली है डगआउट में, बहुत ही शानदार तरीके से रिकवरी की है, कमबैक किया है, वापसी का बिगुल बजाया है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान जिमी दरबार का, जबरदस्त पलटवार, 3 सिक्सर इनके बल्ले से, वो भी बिल्कुल आशीष अगरकर को, जो रिदम में गेंदबाजी कर रहे थे। लेग स्टंप पे बाहर गेंद है, दोबारा वाइड बॉल का इशारा। सतीश कुरूप बहुत अनुभवी अंपायर मैदान के अंदर है। स्कोर अगर देखे तो 51, दो विकेट के नुकसान पर, ओवर पांचवा प्रगति पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर शौर्य गेंदबाजी कर रहे, 4 गेंदों में 10 रन दिए हैं। दर्शकों से खचाखच भरा यह मैदान, बहुत ही सुंदर आयोजन, मैन ऑफ द सीरीज के लिए खूबसूरत बाइक, उसके साथ बेस बैटर बेस्ट बॉलर के लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा कैश प्राइस है। अब 11 लाख और खूबसूरत ट्रॉफी कौन प्राप्त करने वाला, ये सवाल सबके मन में है। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया, ऑन साइड पर के दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है। 5वें ओवर की कहानी मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। 52, दो विकेट के नुकसान पर, मोनिल 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिमी दरबार ने 23 रन बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट बारी है ये। जिमी दरबार जिस तरह से 8 गेंदों में इन्होंने वो 23 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार छक्के, अगरकर को पूरी तरह से अनसेटल किया था। अपने बॉलिंग मार्ग पर शौर्य तैयार हैं। ये और एक लेग स्टंप के बाहर गेंद, ये दहशत है जिमी दरबार की। जिस तरह से अगरकर को अनसेटल किया था तो इनके मन में भी थोड़ा आशंका है। शौर्य देखिए, जो डर गया वो मर गया, डर के आगे जीते, लड़ना बहुत जरूरी है। क्रिकेट में आप फाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं,
पहले आपने गुड़ दिया, उसके बाद में बैटर दिया, अब बेच देने का समय है। टेस्ट होगी लेकिन बेच देना है, बेच देना होगा तब जाकर आप चैंपियन बनेंगे। चैंपियन बनना इतना भी आसान नहीं होगा। स्कोर 53 दो विकेट के नुकसान पर। यह क्या चौथा व्हाइट बॉल है? बिल्कुल चौथा व्हाइट बॉल। मिस्टर एस्ट्रा आ रहे हैं, शौर्य संघर्ष कर रहे हैं, पसीना निकल चुका है। अगर आप चार गेंदे व्हाइट डाल रहे हैं, वो चार गेंदे आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। एक ओवर में छह गेंदे होती है, मतलब दस गेंदे आपको डालनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल समस्या है। पवेलियन से जब गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले लेग स्टंप के बाहर, उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर, या तो पैर पकड़ने की कोशिश, आंखों से दूर रखने का प्रयास बिल्कुल मैदान के अंदर हो रहा है, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है। इंटेंट अच्छा है, दिशा पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी। पैरों पर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन वो डालना चाह रहे थे, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर जा रहे थे। अभी फिलहाल धीमी रफ्तार की गेंद थी, लेकिन नियंत्रण बहुत अच्छा था। पांच ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 55 दो विकेट के नुकसान पर। यूसुफ संबलपुर की टीम बल्लेबाजी करते हुए, पहले बल्लेबाजी करते हुए, और बालाजी कल राजकोट की अगर बात करें तो दो ओवर में बहुत कुछ अच्छा चला, लेकिन चौथे ओवर में कमबैक करने का मौका बल्लेबाजों को मिला। 55/2। बल्लेबाज मोदी सात पर बल्लेबाजी कर रहे, दो गेंदों का सामना किया। जेबी दरबार की बात करें तो 24 पर बल्लेबाजी कर रहे, बहुत ही उम्दा पारी, नौ गेंदों का सामना किया है। स्ट्राइक करने पर जेबी दरबार, ऑफ टेप के बाहर गति परिवर्तन किया गया था, बहुत अच्छी गेंद। अंकित ने देखिए रनों पर अंकुश लगाने का काम किया है, एक गेंद रक्षात्मक तरीके से बिल्कुल खेलते हुए, उसके बाद में नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ मोलिन की तरफ देखा, और जिमी दरमान ने थोड़ा सा मुंडी हिलाते हुए कहा कि भाई अगले गेंद के लिए मैं तैयार हूं। आपके स्क्रीन पर देखिए जिमी दरबार, सेंट बल्लेबाज है, आंखें जम चुकी हैं बिंदी गेंद के साथ। अंकित ने बहुत बढ़िया आगाज किया, दुर्बल एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। छोटी गेंद पर प्रहार, लहरों के खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना मेरे यार, जितनी गहराई अंदर। और उसके बाद में पलटवार किया, मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ गई, तारा मंडल में बहुत दूर जाती भी दर्शक दीर्घा में गेंद लैंड हुई है। जिमी दरबार 30-11 गेंदों का सामना किया, स्कोर 61 दो विकेट के नुकसान पर। ओवर छठवां प्रगति पर है, कमाल का मैच है। अंकित तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, व्हाइट बॉल का इशारा। फिलहाल इस वक्त दबाव बनता हुआ गेंदबाजों के ऊपर, बिंदी गेंद सम्मान किया, उसके बाद में शॉर्ट पिच गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया, उसके बाद में आंखों से दूर रखने की कोशिश, टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, लेकिन काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, इसलिए वाइड बॉल का इशारा किया गया। 62 रन दो विकेट के नुकसान पर, करंट रन रेट 11.63 का। इस बार शॉट अच्छा, लेकिन खिलाड़ी तैनात, सुंदर फील्डिंग, तालियां बजने वाली है, बिल्कुल वो तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं। लाजवाब फील्डिंग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर हुई, लॉकअप पर खिलाड़ी तैनात थे सिकंदर भाटी। आज तो बिल्कुल यह चर्चा में है, किसी का जो टैलेंट है छिप जाता है, किसी का छप जाता है। ये देखिए असंभव को संभव करना कोई इनसे सीखे, वाह सिकंदर वाह, क्या फील्डिंग की आपने, लाजवाब फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बस सिकंदर गति परिवर्तन किया गया, टिप ऑफ टाइम के बाद, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल धीमी रफ्तार के साथ गेंद आई, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। जीबी दरबार छठा ओवर प्रगति पर, स्कोर 62 विकेट के नुकसान पर। फाइनल का मौका आप लाभ देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in द्वारा, बहुत ही शानदार खेल और उसका नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट टेनिस क्रिकेट .in द्वारा। इस बार गेंद बल्ले के ऊपर अजेंद्र सिंह ने आई है, बैकफुट पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, क्रीज के गहरे का इस्तेमाल किया था,
गेंद बल्ले के लग गया और उसके बाद में पॉइंट क्षेत्र में चली गई, एक रन लेने का मौका। ये ओवर देखे, बिंदी गेंद सिक्सर व्हाइट बॉल, दो बिंदी गेंद, उसके बाद में सिंगल आया। अंकित ने इस ओवर में बिल्कुल वो बड़ा स्ट्रोक आने के बाद कमबैक किया है। आखिरी गेंद शीर्ष सामना करेंगे मुनील। 63 रन दो विकेट के नुकसान पर संबलपुर टीम अब पहले बल्लेबाजी कर रही है। बालाजी क्लब राजकोट एक बहुत ही बेहतरीन टीम है और दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अनबी अंजू संबलपुर टीम के ओनर, तो दूसरी तरफ वंद्रा सिंह गोहिल बालाजी क्लब राजकोट बी के बाद टीम के ओनर हैं। मैन ऑफ द मैच के लिए जो एलईडी टीवी मिल रहा है, वंद्रा सिंह गोहिल स्पॉन्सर हैं। स्टैकरन पर मोनिल, बढ़िया गिनती टपा खाने के बाद बिल्कुल धीमी रफ्तार के साथ आई, उछाल तो बिल्कुल था, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। मोनी रखे गए अपने पास टाइट क्योंकि आखिर गेंद पर आपने सिंगल लिया है। 6 ओवर के कहानी समाप्त, स्कोर 64 दो विकेट के नुकसान पर संबलपुर टीम। जडेजा रिमडा बाप्रेजेंट आरआर कप 2024 पहला संस्करण और इंपैक्ट प्लेयर, इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल मैदान के अंदर। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल मैदान के अंदर हो रहा है और पानी में चला गया है। ये ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा। जयराज इस वक्त बीच मैदान पर आए हैं और कल्की को मैदान के बाहर जाना पड़ा क्योंकि ये एक नया नियम है जो आपने आईपीएल में भी देखा है, इस टूर्नामेंट में बिल्कुल इसका इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ही इफेक्टिव। तो ऊपर का खेल अभी भी आना बाकी है। आरआर कप 2024 दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, ये प्रतियोगिता एंजॉय करते हुए बहुत ही शानदार आयोजन राजेश सिंह जडेजा साहब इनके माध्यम से बिल्कुल है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ये अद्भुत दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा। इस बार टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए गए, नॉकआउट क्षेत्र में आती भी अलॉन्ग द कार्पेट एक रन लेने का मौका और इसे सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 दो विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है। पार्टनरशिप 12 गेंदों में 23 रनों की, शौर्य की बात करें तो इनका यह दूसरा ओवर है। पहले ओवर में इन्होंने 14 रन खर्च किए थे, कोई विकेट इनको नहीं मिला था। मुनीर 9 पर खेल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पारी, 4 गेंदों का सामना किया। जीवित दरबार की बात करें 31 पर इंपॉर्टेंट पारी अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, देखिए पहले से वो तैयार होते हैं क्योंकि बड़े स्ट्रोक के लिए और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। लेग ब्रेक का इशारा मैदान के अंदर अंपायर की तरफ से होता बा। शौर्य की बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, 7वां ओवर प्रगति पर है। करंट रेटेड 10 के ऊपर है, 10.42 के उससे रन बन रहे हैं। और अब सवाल यही है ना कि इस टूर्नामेंट में जो 11 लाख के नकद राशि है, खूबसूरत ट्रॉफी है, कौन विनर बनेगा, कौन चैंपियन बनेगा। राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाने वाले खिलाड़ी को चैंपियन कहा जाता है। चैंपियन उड़ाया आसमान की तरफ, खेल ताश का हुआ जिंदगी का, अपना एक का तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो, मैग्निफिसेंट होकर कुसुम ग्रीन एनर्जी सिक्सर मैदान के अंदर बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड पर, टाइमिंग बढ़ गया, आवाज बहुत ही सुंदर आई और जब वो एक्सेस से आवाज आती है ना तो बिल्कुल इस गेंद के ऊपर 6 की मोहर लगती है। 72/2 अब मोनिल रिएक्ट होते हुए, मोनिल के अंदर 15 पर 5 गेंदों का सामना किया, जब भी 31 पर खेल रहे हैं। अब करंट रेटेड 11 के ऊपर चला गया है। ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद इस टक्का क्षेत्र में खेल दिया, सेंसिबल क्रिकेट
बुद्धिमानी वाली क्रिकेट इस वक्त मुनील द्वारा, क्योंकि जिमी दरबार फॉर्म में खिलाड़ी है और आपने दो गेंदों में 7 रन बनाए हैं, तो मौका अपने पार्टनर को दे रहे, पार्टनरशिप साझेदारी बनाने की कोशिश मैदान के अंदर। 7वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर रहा 73 दो विकेट के नुकसान पर, और देखिए प्रोजेक्टर स्किल दिखाई दे रहा है इस वक्त 86-31 रनों की साझेदारी 15 गेंदों में बल्लेबाज मुनील और जिमी दरबार के बीच। शौर्य अपने बॉलिंग मार पर तैयार, बढ़िया गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, ब्रॉकोर में खोद के निकला, ऑन साइड पर खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात थे, काउ कॉर्नर क्षेत्र में बिल्कुल आते में खिलाड़ी गेंद को रोका गया, एक रन देने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 दो विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर, 7 गेंदों का खेल अभी भी इस पारी में आना बाकी है। आरएआर फाउंडेशन एंड राजीव सिंह जडेजा रिमला प्रेजेंट आरएआर कप 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। ये देखिए दर्शक कचाकच बना हुआ है ये मैदान, और ये दर्शक दीर्घा में दर्शक ड्रोन व्यू के माध्यम से आप देख रहे हैं इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले आखिरी मुकाबला एंजॉय करते हुए। ये हाथ एक बार फिर हिला रहे हैं, फुल टॉस, इस गेंद के ऊपर बिल्कुल 6 रन की मोहर, बल्लेबाज मोहनिल का कहर, गेंद बॉडी लेके बाहर जाते हुए 6 रन, व्हाट अ शॉट, कुसुम ग्रीन एनर्जी सिक्स। क्या फिनिश किया, अंत भला तो सब कुछ भला, और बीच मैदान पर मोनिल का बल्ला, माशाल्लाह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। और फिलहाल दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो जिमी दरबार और मोनिल का प्रदर्शन बहुत खराब था। क्रिकेट में यही होता है, कुछ खिलाड़ी ना अपने आप को बचा के रखते हैं बड़े मैच के लिए, और बड़े मैच में एक बार फिर बड़ा मंच है, तो बड़े मंच पर एक बार फिर बड़े सरपंच की भी जरूरत है। जिमी दरबार की बात करें तो जो पहला मैच खेले थे ना, तब वो प्रारंभिक बल्लेबाज थे, लेकिन जब खराब प्रदर्शन टीम ने देखा तो मैनेजमेंट ने एक बार फिर उनका थोड़ा लेट लेके आए, मिडल ऑर्डर में या 5वें 6ठे नंबर पर उनको मौका मिला, लेकिन अभी फिलहाल देखें थोड़ा ऊपर भेजने का फायदा भी है जिमी दरबार को। 7 ओवर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर, मोनिल 22 पर खेल रहे हैं, जिमी दरबार की बात करें तो 32 पर, बहुत इंपॉर्टेंट पारी, और इस मैच में वापसी का बिगुल बजाया है संबलपुर टीम ने। संबलपुर टीम की पारी बिल्कुल संभलते हुए यहां दोनों पर बल्लेबाज, मोनिल प्लेइंग ऑन 22, जिमी दरबार 32 पर बल्लेबाजी कर 16 गेंदों का सामना किया है, और टेनिस क्रिकेट .in की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। पिछले 11 सालों में जो काम हुआ है टेनिस क्रिकेट .in द्वारा संतोष नानिकरण टीम, बिल्कुल चर्चा करेंगे इस गेंद के बाद। 7 ओवर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर संबलपुर, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त बल्लेबाज, और 19 लाख सब्सक्राइबर, बहुत बड़ी अचीवमेंट इस क्रिकेट के दुनिया का सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल, 11 साल का सफर संतोष नानेकर एंड टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन। रुक गए गेंदबाज आशीष अगरकर, अब मजा आएगा, इससे पहले आशीष अगरकर के खिलाफ जीबी दरबार ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, जो अनप्लेबल गेंदबाज थे, इससे पहले इन्होंने मेडन ओवर भी डाला था, लेकिन उनके खिलाफ आज जिमी दरबार ने 3 छक्के जड़कर इरादे स्पष्ट किए, वो आखिरी ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए दर्शक दीर्घा में दर्शक, काफी सारे दर्शक है मैदान के चारों ओर, अपने बोरिंग मार पर गेंदबाज तैयार, ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, कट करना चाह रहे थे, इस बार व्हाइट बॉल का इशारा, स्कोर अगर देखे तो इसी के साथ 81/2 करंट रन रेट 11.57 का है। इंपॉर्टेंट मैच है, फाइनल का मुकाबला, और जितने दर्शक इस मैदान के ऊपर है उतने दर्शक टेनिस क्रिकेट .in द्वारा ये फिलहाल फाइनल का मुकाबला देख रहे हैं। 2:08 का समय हो गया है, ये खूबसूरत नजारा इस ग्राउंड का, ऑफ टाइम के बाहर कट करना चाह रहे थे खिलाड़ी तैनात थे गली पर, एक रन देने का मौका, अब मजा आएगा। डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, एक तरफ अगरकर जिनके खिलाफ बिल्कुल अपोनेंट टीम के बल्लेबाज जिमी दरबार ने रन बनाए तो वो भी कमबैक करना चाहेंगे, मैच में वापस आने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बैटल है, ये कॉन्टेस्ट है, सांप और नेवली के बीच लड़ाई है। पहली गेंद वाइट बॉल, उसके बाद में एक बार फिर देखिए ऑफ टंप के बाहर वाली गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई, एक तरफ मोनिल फॉर्म में 7 गेंदों में 22 स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है, लिमिटेड ओवर में जब आप 6 ओवर 8 ओवर 20 ओवर का मैच खेलते तो वह आपका स्ट्राइक रेट देखा जाता है, तो स्ट्राइक रेट दोनों का बहुत ही बेहतरीन। फाइनल का मुकाबला, स्कोर 82 2 विकेट के नुकसान पर संबलपुर,
ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाह रहे थे, यहां खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है। ये क्रिकेट का खेल है, जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता है। हमारी सोच खत्म होती है वहां क्रिकेट का खेल एक बार फिर शुरू होता है। जीबी दरबार विराट कोहली के साथ मैदान के बाहर जा रहे हैं। पानी का पानी ऑफ टंप के बाद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, फिलहाल कट करना चाहते थे, तालमेल में बिल्कुल कमी आई, पहले रन नहीं लेना चाहते थे मोनिल और दरबार साहब तो बिल्कुल स्ट्राइकर इनकी तरफ आना चाहते थे। गलती हुई मैदान के अंदर। ये आर पार की लड़ाई है जिसमें आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि जिमी दरबार की बात करें तो इन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी जरूर की है और सेट बल्लेबाज थे। कोई भी बल्लेबाज जब सेट होता है और उसके बाद में रनआउट होता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। देखिए वो रिएक्शन जिस तरह से जिमी दरबार पलट गए, इन्होंने मोनिल को देखा कि भाई क्या आपने ये क्या कर दिया, आपको रुकना था, आपको बिल्कुल वो स्ट्राइकर इन की तरफ रुकना था क्योंकि एक विकेट आपको सैक्रिफाइस करना था, लेकिन तालमेल में कमी, एक की हो रही थी मांग, तालमेल के कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। 82-3 विकेट के नुकसान पर आशीष अग्रकर गेंदबाजी कर रहे हैं। उमर खान मैदान के अंदर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। काफी सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2:10 का समय हो गया, पहली पारी आखिरी ओवर, बढ़िया लाइन, क्या एक बार फिर दिशा पर कंट्रोल, दिशा पर कंट्रोल नहीं है। आज देखिए इस प्रतियोगिता की बात करें तो कल्याण घोरपड़े आईएसपीएल के साथ जुड़े हुए थे और कोलकाता टाइगर टीम के हेड कोच, उसके साथ एक बार फिर सुशांत मांजरेकर ये भी आईएसपीएल के साथ जुड़े हुए थे, करुणा कोटियन ये भी बिल्कुल आईएसपीएल के साथ जुड़े हुए थे, एक तरफ सतीश कुरूप, एक बार फिर अंपायर ऑन फील्ड अंपायर चले गए हैं टीवी अंपायर की तरफ। सतीश कुरूप बहुत साल से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं और सुप्रीम चषक उस टूर्नामेंट में इन्होंने अंपायरिंग की है, लीजेंड अंपायर है। और टीवी अंपायर की तरफ इशारा, वाइट बॉल के लिए बिल्कुल रिव्यू लिया गया। 82/3 ओवर 8वां प्रगति पर है। 11 लाख की नकद राशि और खूबसूरत ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल मैदान के अंदर वो बैटल चल रहा है, मजा आएगा। ये पहली पारी है, दूसरी पारी में और मजा आएगा। राजदीप सिंह जडेजा साहब जिनके नेतृत्व में टूर्नामेंट, और राजदीप जी जडेजा साहब का एक सपना था, एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट इनको करना था राजकोट में अपने रिबड़ा गाँव में। जिस तरह से देखे ये टूर्नामेंट जा रहा है, क्या मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल टूर्नामेंट। और जहां तक सवाल इस टूर्नामेंट की मैं विश्लेषण अगर करूं तो उलट फिर करने वाला टूर्नामेंट, बहुत सारे जो स्टार खिलाड़ी इस मंच पर आए लेकिन अपसेट, कम से कम वो 5-6 अपसेट हुए इस टूर्नामेंट में। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, स्कोर 82/3 विकेट के नुकसान पर है, 8वां ओवर प्रगति पर है। जिस तरह से इस प्रतियोगिता में रॉकी 11 का प्रदर्शन रहा, उसके साथ पावन 11 टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ज्यादा एक बार फिर पीछे जा रहे हैं ट्रिगन मोमेंट के, दोबारा अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा, इस पर व्हाइट बॉल का इशारा। ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास अब रिव्यू नहीं है, अंपायर से आप बात कर सकते हैं, अंपायर का जो डिसीजन वह फाइनल डिसीजन हो जाएगा। टपक आने के बाद देखिए जो आशीष की गेंद है ना, वो हरकत कर रही है, जो आपके पास रिव्यू थे वो बिल्कुल आपने खो दिए हैं, 2 थे और दोनों आपने बिल्कुल यूज किए हैं, तो अब आपको रिव्यू नहीं मिलेगा, जो अनफिट अंपायर का डिसीजन है। देखते इस वक्त टीवी अंपायर की तरफ क्या एक बार फिर जाएंगे, वो देखने वाली बात है। पिटी करने वाली टीम तो एक रिव्यू बिल्कुल आपके पास हो सकता है, इसलिए अंपायर टीवी अंपायर की तरफ चले गए। ATP 83 8वां ओवर प्रगति पर है,
व्हाइट बॉल। देखिए यहां इस मुकाबले की बात करें तो राउंड विकेट गेंदबाजी, कहां गेंद चलेगी, बहुत दूर, बहुत दूर है। टप्पा खाने के बाद शरारत गेंद जरूर कर रही है और व्हाइट बॉल का इशारा। ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। इस ओवर में 3 व्हाइट बॉल है, 84/3 ओवर 8वां प्रगति पर, 84/3 फुल टॉस, शॉट अच्छा नहीं है लेकिन खिलाड़ी भी बहुत दूर है, दो रन लेने की कोशिश हो जाएगी, दो रन मुकम्मल भी करेंगे बहुत इत्मीनान के साथ। या डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट, तीसरे के लिए भाग रहे, भाग मिलकर भाग, भागने की जरूरत है। टीवी अंपायर बिजी हो रहे, टीवी अंपायर बिजी हो रहे हैं, दर्शक भी जानते हैं कि बहुत अच्छी फील्डिंग जरूर हुई है लेकिन अब क्या होगा, क्या होगा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एक बार फिर डिसीजन होगा। ओवर 8वां प्रगति पर है, करंट रेट 11.45 का है, टीवी अंपायर बिजी हो रहे, कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग। मैदान के अंदर दर्शक भी क्रिकेट की परिभाषा को जानते हैं क्योंकि जब अच्छी फील्डिंग हुई डायरेक्ट डूबा तो अपने आप वो तालियां बजी। ये गुजरात के दर्शक है, ये राजकोट के दर्शक है, क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए। देखिए यहाँ एक बार फिर जो आखिरी मुकाबला चल रहा है, बालाजी बाग क्लब राजकोट या एक बार फिर संबलपुर, खिलाड़ी पूरे ऑल इंडिया लेवल के हैं तो दोनों तरफ अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। आप लोगों का मिलेगा प्यार तो निखर के आएंगे यंग स्टार, ये जो सारे खिलाड़ी जो है ना वो बिल्कुल निखर के आएंगे। और देखिए कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, दर्शक नहीं होते और दर्शक इस तरह से सपोर्ट नहीं करते तो मजा नहीं आता। 84/3 और ये दोनों खिलाड़ी क्या कर रहे हैं फिलहाल, देखिए हंसी मजाक मैदान के अंदर, फाइनल का मैच है, कोई प्रेशर तो नहीं लेना चाह रहे। 8 कैमरे का इस्तेमाल, टेनिस क्रिकेट .in और इंतजार हो रहा है। टीवी अंपायर का क्या डिसीजन होगा वो देखना बहुत जरूरी है। इस वक्त व्हाइट बॉल, उसके बाद में बस सिंगल विकेट, डिसीजन पेंडिंग है, बहुत क्लोज है। 19-20 वाला ये एक बार फिर डिसीजन होगा। नॉट आउट। यहां फिलहाल देखिए दूध का दूध पानी का पानी, क्या करीबी मामला था, नाइस बार सुरक्षित 3 रन, 7 बाज ताज, 3 रन बिल्कुल इस वक्त मुकम्मल होते हुए। 87/3 8वां ओवर प्रगति पर है, जीवित दरबार 17 गेंद में 33 रन बनाए, एक तरफ मोनिल 22 पर इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे, उमर अभी भी संघर्ष कर रहे, वो बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पा रहे, फुल टॉस गेंद थी उसका फायदा नहीं उठा पाए। अब फिलहाल 3 गेंदों का खेलाना बाकी, 3 व्हाइट बॉल, 1 सिंगल, 1 विकेट और 7 बाज 3 रन, खूबसूरत नजारा इस वक्त आप देख रहे, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, शानदार खेल मैदान के अंदर। बिल्कुल गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, ऑन साइड पर खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग आउट पर बिल्कुल खिलाड़ी मौजूद थे, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए और गेंद को बा रोका गया। ये सारे मेहमान और टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता हमारी सबके दिल की धड़कन राजेश सिंह जडेजा साहब इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं और जिनके नेतृत्व में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। 88/3 8वां ओवर प्रगति पर है, उनके साथ जितने मेहमान आज ये टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे। ओ टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल गेंद ऑफ टर्म के बाहर जा रही है, नियंत्रण नहीं है, आशीष अगर का संघर्ष कर रहे, वही गेंदबाज है जिनका बॉलिंग एनालिसिस में आपको बताऊंगा। 2 ओवर 1 मेडन 3 रन और 2 विकेट, वही गेंदबाज है। इसी सत्य पर इन्होंने कमाल की नदपति गेंदबाजी की थी लेकिन दरबार साहब ने उनके खिलाफ वो 3 छक्के जड़े, उसके बाद में कहानी देखे क्या हुई, मैदान के अंदर वो रिदम नहीं है। 89/3 शॉट यहां भी अच्छा लेकिन खिलाड़ी लॉन्ग पर मौजूद, सफलता मिली, दर्शक बहुत खुश और संबलपुर टीम के उम्मीदों को लगता था बहुत बड़ा छक्का। उमर खान बैक टू द पवेलियन गॉन।
यार कप 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं टेनिस के .in द्वारा, और इस टूर्नामेंट में सब कुछ है, दर्शक है, एक बार फिर टॉप क्लास क्रिकेट का खेल, भरपूर मनोरंजन, और एक बार फिर कैश प्राइस की बात करें तो 11 लाख मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांडेड बाइक आशीष अग्रकर। लंबा ओवर है, इस ओवर में 4 वाइट बॉल उड़ा आसमान की तरफ, बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी को पूछकर नहीं भरते, एक बार ऊंची उड़ान, पंख लगा के बॉडी लगे बाहर भेज दिया, गेंद बॉडी लगे बाहर, 6 रन मैकिना भी सस्तु। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ये बिलोंग करते खिलाड़ी, कोल्हापुरी बिल्कुल तड़का था, और अब जाकर देखे तो स्कोर आपको बताऊंगा, योगेश पेंडकर 9 गेंदों में 9 आज संघर्ष किया, रजत मुंडे 10 गेंदों में 9 इफर्टेस बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जिमी दरबार ने गेयर चेंज किया 17 गेंदों में 33, मोनिल 23 नॉट आउट रहे, नाबाद रहे 9 गेंदों में 23, यहां एक बहुत ही बेहतर साझेदारी 3rd विकेट के लिए, उमर खान 3 रन, नितिन माटुंगे ने बहुत शानदार तरीके से अगेन को बॉडी रन के बाहर भेजते हुए अच्छा फिनिश किया था, और 8 ओवर के बाद स्कोर अगर देखे तो 95-96 का टारगेट है। गेंदबाजी देखे विरुभा 2 ओवर 11 रन, 1 सफलता उनको मिली, अंकित कलकी की बात करें 2 ओवर 16 रन कोई सफलता नहीं, आशीष अग्रकर 2 ओवर 38 बहुत महंगे साबित हुए, 1 विकेट जरूर मिला लेकिन बहुत महंगे साबित हुए, शौर्या 2 ओवर 29 कोई विकेट आपको नहीं मिला, पहला विकेट 13 पर, दूसरा 42 पर, तीसरा 82 पर, यहां एक साझेदारी बनी, और चौथा अगर देखे तो 89 पर, 12 मिस्टर स्टार्स है, बहुत सारे वाइड बॉल जो कंट्रोल नहीं था उसके कारण अगर देखे तो दिशाइन गेंदबाजी हुई और 12 रन एक्स्ट्रा आए, तो एक खिलाड़ी वहां बिल्कुल आप देख रहा दिखाई दे रहा है। इस प्रतियोगिता का आज के दिन का अहम मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, काफी सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंटरेस्टिंग रोचक दिलचस्प मुकाबला जिसका लुत्फ उठाते हुए और मजा आ रहा है, दर्शकों को बिल्कुल मजा आता था। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता राजदीप सिंह जडेजा साहब, और आपके चरण आपको मंदिर तक लेके जाते हैं, आपके चरण आपको मंदिर तक लेके जाते हैं, और आपका आचरण आपको ईश्वर तक लेके जाता है। आज आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजदीप सिंह जडेजा साहब, रिबड़ा के खूबसूरत ग्राउंड पर बहुत ही बेहतरीन आयोजन, शानदार खेल, अब जाकर टोटल बड़ा है, बैटर भी बड़ा होगा, जीतने के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है 96 रनों का, और एक बार फिर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं 29.9K फॉलोअर्स, केवल 73 पोस्ट है, आर फाउंडेशन। ये आरआर फाउंडेशन का इंस्टाग्राम पेज है, 29,900 फॉलोअर्स है, और मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि एनजीओ है सेवा परमो धर्म, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस पेज को आप फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि समाज सेवा का जो काम है ये आपके सहयोग से और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, तो मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है, एक बार अपना मोबाइल खोलिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, आरएआर फाउंडेशन का जो पेज है उस पेज को जरूर फॉलो करें, और आरएआर फाउंडेशन के जो अच्छे काम है उसके साथ आप जुड़ जाएं। सभी लोगों से प्रार्थना है, एक बार अपना मोबाइल जरूर ऑन करें, मोबाइल के अंदर जाएं, आरएआर फाउंडेशन इंस्टाग्राम में टाइप करें और वहां पर उसे फॉलो करें और समाज सेवा के इस अभियान को और मजबूत करें। धन्यवाद। वेलकम बैक, एक बार फिर सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। पहली पारी तो आपने देखी है, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अगर देखें तो पहले पड़ाव को आपने देखा है, सिक्के का एक पहलू आपने देखा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना बहुत जरूरी, क्योंकि यहां से बिल्कुल पलटवार हो सकता है, मजा आएगा। टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, शानदार खेल के साथ शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का, और बढ़िया खेल भी मैदान के अंदर, मजा आ रहा है बिल्कुल, दर्शक काफी संख्या में जो मौजूद है आज, राजदीप सिंह जडेजा साहब रिबड़ा जिनके माध्यम से आरएआर कप 2024 का सारे दर्शक जो लुप्त उठा रहे हैं, और सबको मजा आ रहा है, जितने दर्शक है बहुत खुश,
इस आयोजन से सपना था राजदीप सिंह जडेजा साहब का एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट जिसकी बहुत बढ़िया तरीके से वो कैश प्राइस बाइक बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट बहुत शानदार आयोजन कलरफुल किट दर्शकों का अच्छा सपोर्ट जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य है 96 छियानवे रनों का लक्ष्य रखा गया है। चलिए मैच शुरू करना है, ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, 2:25 का समय और खास करके आप देख सकते हैं इस वक्त आर्यर फाउंडेशन एंड राजदीप सिंह जडेजा रिबड़ा प्रेजेंट आर्यर कप 2024 के आयोजन करता आपके स्क्रीन पर इस वक्त टेनिस के डॉट इन द्वारा दिखाए जा रहे हैं। सबके दिल की धड़कन और जब एक बार फिर वो दर्शक दीर्घा में आ रहे थे तो बहुत सारे जो नौजवान बिल्कुल इनके फोटोग्राफ्स इनके साथ सेल्फी निकालने के लिए आगे आ रहे थे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैच शुरू हो रहा है और प्लान बनता हुआ मैदान के अंदर वो खिचड़ी पक रही है। 8 ओवर का मुकाबला 48 गेंदें और फिलहाल 96 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मित्रों हमें थोड़ी जवार पहला आप सबे मेगा स्क्रीन पर आर ए आर फाउंडेशन पेज जो आर ए आर अर्थ है राजदीप सिंह अनिरुद्ध सिंह रिबड़ा अने आ पेज मार्फत आप सबने नम्र विनंती करवामां आवे छे कि आप अमारी साथे जोड़ाओ। समाज सेवानो बहु सुंदर कार्य थई रह्यु छे। आपने कदाच कोई चीज की मदद जोईती होय कोई आपनो सजेशन होय राजदीप भाई ने आगळ आप कोई रीते सहयोग करवा मांगता हो ए बधा ज प्रकारना सजेशन आवकार्य छे। मात्र इंस्टाग्राम पर जशो अने आर ए आर फाउंडेशन नु जे पेज छे एनी साथे जोड़ाशो अने जोड़ाया बाद तमने पोताने थशे के राजदीप भाई जे रीते काम करी रह्या छे ए काम तमे पण करी शको एम छो। एनी व्हाट्सएप ग्रुपनी लिंक पण आपवामां आवेली छे એટલે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઓ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ જોડાઓ અને એમની સાથે સત્કર્મના કાર્યમાં જોડાઈને આપણે રાજદીપભાઈના હાથને હજુ મજબૂત કરીએ આગળ વધીએ। એક જ ટીમ છે શ્રેષ્ઠ ટીમ છે બધાને નમ્ર વિનંતી પોતાના મોબાઈલમાં જશો અને વોટ્સએપ લિંક પર જરૂર ક્લિક કરીને જોડાશો। થેન્ક યુ। રિવર્સિવ કા અચ્છા સ્ટોક હે બિલકુલ બોડી લાઇન કી તરફ જાયેગી 4 રન કે લિયે गेंद है कमजोर बल्लेबाज ने लगा जोर और ये लगा शानदार फोर जेपी जोलस चौका। सिकंदर भाटी यहां भी अच्छा स्ट्रोक है खिलाड़ी तैनात मैदान पर सफलता मिली जिग्नेश पटेल को सेलिब्रेशन मोमेंट सिकंदर भाटी बैटिंग के बदले में। क्योंकि सिकंदर ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था सेमीफाइनल के मुकाबले में तो इनका विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था प्राइसलेस विकेट मिला है। सिकंदर भाटी ने बनाए 4 रन 2 गेंदों का सामना किया फिर बाकी ऊपर अब सबकी जिम्मेदारी है। 92 रनों की जरूरत है 40 गेंदों का खेल है और अब महिपाल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं।
आरियर फाउंडेशन राजदीप सिंह जडेजा रिबडा प्रेसिडेंट आरियर कप 2024 11 लाख और उसके साथ अगर देखें तो वो खूबसूरत ट्रॉफी कौन प्राप्त करेगा, चैंपियन कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भाई आपको 46 गेंदे इंतजार करना पड़ेगा। अल्टीमेट इवेंट मेकर पल्लवी नायर और उनकी सारी टीम बिल्कुल ये जो टूर्नामेंट है प्रोफेशनल बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए बहुत मेहनत। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार, जिग्नेश पटेल सामना करेंगे मेहमान। नहीं नहीं नहीं, शॉट अच्छा नहीं था, बहुत सारी हड़बड़ाहट, इस पर रिवर्स स्विप खेलना चाह रहे थे। बहुत अच्छी गेंद थी जिग्नेश पटेल की, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर बिंदी है। इस पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अगर देखे तो हरकत करते हुए गेंद काटा बदलते हुए गेंद जिग्नेश पटेल की। इस बार शॉट अच्छा है, कनेक्शन अच्छा, लेकिन खिलाड़ी तैनात, विकेट नंबर 2 महिपाल आए, महिपाल चले गए। इस पर सेलिब्रेशन करने का मौका संबलपुर टीम को मिलता था। आपका जो है ना थोड़ा रोचक होना चाहिए और मजा आएगा, बैठने के लिए पुख्ता इंतजाम। आस्ती सिंह जडेजा रिबड़ा इनके माध्यम से और दर्शक भी बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हर मोमेंट फाइनल का मैच। अपने बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज जिग्नेश पटेल तैयार, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए शकील जिनके और पैंथर के नाम से बहुत फेमस खिलाड़ी है, लेकिन देखिए यहां साझेदारी की जरूरत है, इंपॉर्टेंट मैच है, काफी सारे दर्शक ये टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे। बढ़िया गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से अगेन कॉन्सर पर खेल दिया और शॉर्ट मिड विकेट पर जिग्नेश ने विकेट को उठाया, लेकिन पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने के लिए। पहले ओवर की कहानी, स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर, टारगेट बिल्कुल बहुत बड़ा है। अगर टारगेट बढ़ाए ना तो कम से कम 2 या 3 गेंदबाजों को टारगेट भी आपको करना है, अगर आप टारगेट नहीं करेंगे तो गेंदबाज आपके ऊपर हावी होकर गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज काबिलियत है शकील के पास, विरूपा बहुत अच्छा स्ट्रोक है, फाइन एक पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है, गेंद बॉडी लगे बिल्कुल बाहर जाएगी, कहां सिंगल लेने वाले, कहां सिंगल लेने वाले हैं, ये तो 6 के नीचे सोचते नहीं है, टाइमिंग देखे, विश्वास देखे, गेंद बॉडी लगे बाहर जाते भी। आर पार, यह है सबसे बड़ा त्योहार, क्या आप करेंगे पलटवार, क्या आप है तैयार। बीच मैदान पर क्या घमासान चल रहा है, क्या घमासान चल रहा है। स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, पहले ओवर की कहानी समाप्त, 42 गेंदों में 85 रनों की जरूरत है और पहला ओवर इवेंटफुल रहा है। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 11 प्लस 2 विकेट, शकील 1 विरूबा 6, बालाजी क्लब राजकोट और संबलपुर के बीच बहुत ही बड़ा मुकाबला, क्रूशियल मैच है, इसमें कोई एक बार फिर देखे संदेह नहीं है और मजा आएगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता में बालाजी क्लब राजकोट ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गेंदबाजी में मयूर वाघमारे पेवलिन से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, फिड्डी के चमावट फ्लाइंग स्लिप कली 1 पॉइंट, उसके साथ डीप स्ट्राइक कवर मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, 1 मिड ऑन, उसके साथ मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी, स्क्वेयर लेग पर खिलाड़ी तैनात। जब पावर प्ले ऑन है तो 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर है, योगेश पेंटकर पिंडिंग को अलंकृत कर रहे, अब स्क्वेयर लेग का खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल मिड विकेट क्षेत्र में दायरे के अंदर आ गया और डीप मिड विकेट का खिलाड़ी डीप स्क्वेयर लेग बाउंडरी लाइन की तरफ चला गया। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए मयूर वाघमारे, प्लान बना हुआ है, मैदान के अंदर खिचड़ी पक रही है, मजा आएगा इस मुकाबले में। अपनी बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार, शॉट अच्छा नहीं है, रिवर्सिव खेलने की कोशिश, हल्का सा अपील, लेकिन फिलहाल अंपायर का क्या इशारा वो देखना बहुत जरूरी है, लेग बाय का इशारा।
पहले ओवर की कहानी समाप्त, दूसरे ओवर के बाद पहली गेंद मयूर बाग मारे, बहुत अच्छी गेंद सिस्टम के अंदर रचनात्मक तरीके से गेंद को खेलना चाहते हैं। पहली गेंद पर बिल्कुल एक जोखिम भरा स्ट्रोक खेलने के कुछ फैंसी स्ट्रोक खेलने का प्रयास बिल्कुल किया गया, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वीरूबा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सेमीफाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन था सिकंदर भाटी और वीरूबा। ऑफ टेप के बाहर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, कबर पर खिलाड़ी तैनात है पवन, गेंद को फील्ड करते हुए एक रन लेने का मौका, इसी के साथ स्कोर अगर देखे तो दूसरे ओवर में 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट और आस्किंग रन रेट आपको जरूर बताऊंगा, जिस तरह से आप देख सकते सारे अपडेट आ रहे हैं। 40 गेंदों में 83 रनों की जरूरत है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, शकील के ऊपर एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 40 गेंदों में 83 रन, उड़ा आसमान की तरफ, शानदार स्ट्रोक है, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक है, जो दुनिया से बदलते जा रहे हैं वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं। जो दुनिया से बदलते जा रहे हैं, वो तूफानों से पलते जा रहे हैं, जो राहों से लड़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक था, मैच में मजा आएगा, फिलहाल वो पलटवार होता हुआ। ऑफ टेप के बाहर अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, मयूर भाग पर भी कमाल के खिलाड़ी है, एक लेन बॉल था गुंडेस पर, पट्टी पकाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आई गेंद, उसके ऊपर प्रहार, उसके बाद में लेंथ में बदलाव, पहले गुंडेस पर पट्टी पकड़ा था, उसके बाद में 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी आप कर रहे हैं। रन संख्या 20, 2 विकेट के नुकसान पर उमर दूसरा प्रगति पर है। ये तो बिल्कुल कांटे की टक्कर होने वाली है, उसमें कोई संदेह नहीं है, कमाल का मैच है। अच्छा कमासान, गेंद और बल्ले के बीच एक जबरदस्त जंग आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा। 20, 2 विकेट के नुकसान पर, ऑफ टेप के बाहर पॉइंट के ऊपर से टकाटक फटाफट कमाल का स्क्वायर कट, गेंद बनाने लगे चार रन, सनलाइट इंडस्ट्रीज चौक। पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया, पावर प्ले ऑन है, तो देखिए आपको इस वक्त इनफील्ड के ऊपर से खेलना भी आना चाहिए। 24 2 विकेट के नुकसान पर वीरूबा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी। रिक्वायरमेंट रेट 11.68 का, इस बार अच्छी टाइमिंग नहीं है, खिलाड़ी तैनात है, फुटबॉल खेलते हुए मिड ऑफ पर खिलाड़ी, देखिए यहां आपको थोड़ा आगे चल के आना चाहिए, अगर 1-2 कदम वो आगे चलते आते तो बिल्कुल ये कैच हो सकता था, मिस चांस टोकता। क्या वो नितिन माटुंगे वहां मौजूद थे, नितिन माटुंगे, क्योंकि आप सर्कल के ऊपर खड़े, थोड़ा सा आगे अगर 1 कदम आगे आते चलते रहते तो बिल्कुल वो कैच बनता। 2 ओवर की कहानी, स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, शकील 8 पर खेल रहे हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है, दोनों सक्षम टीमें, दोनों दावेदार टीमें मैदान के अंदर हैं। और आप देख सकते हैं रास्ते पर से वो गाड़ियां जा रही हैं रिबड़ा। अब देखिए बहुत सारी चीजों के लिए बिल्कुल रिबड़ा फेमस है, लेकिन क्रिकेट के लिए ये खूबसूरत मैदान, उसके साथ अगर देखिए तो राजदीप सिंह जडेजा जिनके नेतृत्व में यह टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। ऑफ टेप के बाहर गेंद, पीछे वैसे बॉर्डर के तरफ खिलाड़ी मौजूद है, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, सही इलाके में खिलाड़ी तैनात है, जिग्नेश ने प्रभावित किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी इनकी रही है। ओवर तीसरा प्रगति पर, स्कोर 25 तो विकेट के नुकसान पर, रिक्वायर्ड रेट 12.17 का है, 35 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। जिग्नेश की पहली गेंद पर सिंगल और अभी तक 7 गेंदों में 12 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं जिग्नेश पटेल। ये भी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन देने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। प्रसन्ना ने गेंद को फील्ड किया था, प्रसन्ना इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मुकाबले में, ये भी विकेट टेकर गेंदबाज हैं। पार्टनरशिप 10 गेंदों में 22 रनों के स्कोर, 26 2 विकेट के नुकसान पर, ओवर तीसरा प्रगति पर हैं और ये आखिरी मुकाबला, दूसरा पड़ाव आप देख रहे हैं।
34 गेंदों का खेल आना बाकी, 70 रनों की जरूरत। रिवर्सिव खेल दिया लेकिन शॉट के लिए खिलाड़ी बिल्कुल तैनात है बॉडी लाइन पर, सही सोच के साथ खेल मैदान के अंदर हैं। और देखिए बल्लेबाज को अपने ऑफ टर्म का पता होना चाहिए, तो गेंदबाज को अपने फील्डर का है इसका पता होना चाहिए। तो सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे अपनी फील्डिंग के अनुरूप। स्कोर 27 दो विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर आप देख रहे हैं, जिग्नेश के पहले तीन गेंदों की अगर बात करें तो 3 सिंगल, जो कि बड़े स्ट्रोक नहीं खेल रहे ज्यादा, एक बार फिर उनके खिलाफ रिस्क नहीं ले रहे, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों द्वारा और टाइमिंग के ऊपर निर्भर है। शकील 10 विरूपा 12, बालाजी क्लब राजकोट बहुत अहम टीम। ओ नो बॉल, ओ नो 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 बॉल का इशारा, तो ये गेंद आपको दोबारा डालनी है, लेकिन नो बॉल का मतलब है ये फ्रेंड भी होगा। आरएआर कप 2024 पिक्चर है सुपर हिट, और अगली गेंद फ्री हिट, देह घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। और बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर है शकील, ये भी फुल टॉस गिनती, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया गया था और बल्लेबाज ज्यादा स्टक की तरफ चले गए थे, क्रीज की गहराई में ज्यादा चले गए थे। फ्रीट का इशारा, इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है, डायरेक्ट करने की कोशिश प्रसन्ना द्वारा, एक रन लेने का मौका, फ्रीट का ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए शकील। लेकिन विरूबा जिनके ऊपर निगाह रहेंगे, 13 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया, तीसरा ऊपर प्रगति पर है, 32 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, 66 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। दर्शक देखिए 4 ओवर, ये जो कमाल का मैच है, रोचक मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दिल की धड़कनें और तेज होने वाली है। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है। बहुत अच्छी गेंद, प्रसन्ना बिजी है, थ्रो तेजी के साथ किया था योगेश, गेंद को गैदर करते हुए रन बनाने का वो दूसरा मौका नहीं था, एक रन आपको मिलेगा। बैपाल का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो वह बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया था जिग्नेश पटेल ने। 31 गेंदों का खेल, 65 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अब 31 आपने बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की बात करें तो वह एक नो बॉल है, आप देख सकते हैं बहुत सारे सिंगल, 31 2 विकेट के नुकसान पर। शकील ऑन स्ट्राइक, और जोरदार अपील योगेश पेंट का, और जिग्नेश पटेल मांग रहे हैं लेकिन अंपायर की मुंडी हिलते हुए अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, 3 ओवर की कहानी समाप्त, 31 2 विकेट के नुकसान पर बालाजी क्लब राजकोट। सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। चौथे ओवर की कहानी, जिग्नेश बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, 30 गेंदों का खेल, 65 रनों की जरूरत है। यह कहानी बिल्कुल सुपर हिट है, आने वाला ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए रिक्वायर एंडेड के बारे में बिल्कुल चर्चा होगी, 15 गेंदों में 27 रनों की साझेदारी, विकेट गिर गए थे जल्दी, 2 विकेट गिरने के बाद शकील और विरूबा ने पारी को संवारने का प्रयास किया मैदान के अंदर। अब एक बार फिर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, चर्चा कर रहे इस वक्त राजदीप सिंह जडेजा साहब, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेहमानों के साथ चर्चा, और चर्चा तो बिल्कुल इस टूर्नामेंट की भी हो रही है। पूरे भारत में टेनिस विश्व में पहला संस्करण है, लेकिन बहुत ही शानदार आयोजन, और शिक्षा के साथ खेल के लिए बहुत बड़ा योगदान, एक अच्छा स्कूल आप देख सकते हैं यहाँ। दूसरी बात सोशल वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं, युवाओं के लिए दिल की धड़कन बने हुए हैं। फिलहाल 31 2 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर की कहानी समाप्त हुई है, चौथा ओवर बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग मुकाबला, थोड़ा सा खेल को धीमा करने की कोशिश। 30 गेंदे 65, और अब फील्डिंग में तकदीली, दोबारा प्रसन्न को वो पॉइंट क्षेत्र में लेके आए बल्लेबाज विरूबा, जिनके ऊपर दारोमदार फ्लांक पर खिलाड़ी, गली पर आप देख सकते हैं खिलाड़ी मौजूद है, कवर पर पवन हमेशा सतर्क सावधान है,
एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मौजूद है, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, काफी सारे दर्शक। ऑफ टाइम के बाद टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा बाहर की तरफ निकलते बिगेन, बल्लेबाज सफल हुए थे, सफल हुए लेकिन सफल नहीं हुए। पहली गेंद बिंदी गेंद है, मैरू बाग मारे, शकील अभी भी देखे बहुत संघर्ष कर रहे। रिक्वायरमेंट है 13.54 का है, टारगेट 96 रनों का। मयूर गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार अच्छा स्ट्रोक है लेकिन खिलाड़ी तैनात। मयूर बागपारे ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है और जिस तरह से दूसरा ओवर पर डालने के लिए आए हैं सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। 32 दो विकेट के नुकसान पर, क्या यहां से बल्लेबाज जो है वो गियर चेंज करेंगे या एक बार फिर इस मुकाबले में वेट एंड वॉच वाले क्रिकेट खेलेंगे। 28 गेंदे 64 रनों की जरूरत है, फासला बढ़ रहा है। निगाह रहेगी शकील के ऊपर जो 8 गेंदों में 11 पर खेल रहे। विरूबा ने 15 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया। मयूर बागमारे पहली 2 गेंदों पर केवल 1 रन, मयूर तैयार। नहीं नहीं नहीं, शॉट अच्छा नहीं था। योगेश पेंडकर थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं डायरेक्ट करने की कोशिश, लेग बाय का इशारा अंपायर ने किया। स्कोर इसी के साथ अगर देखे तो आगे बढ़ता हुआ 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 18 गेंदों में 29 रनों की साझेदारी। यहां से रफ्तार को और तेज करने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। तो मयूर बागमारे नबी तुली गेंदबाजी कर रहे, सदी भी गेंदबाजी अभी तक रही है इस ओवर में। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। आर आर कप 2024 ऑन साइड पर फील्ड, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। ऑफ टाइम के बाहर गेंद, योगेश पेंडकर गेंद के नीचे, विरूपा बैक टू द पवेलियन और मयूर बागमारे ने शिकार किया, बहुत बड़ी सफलता। लेके आए वो देखना बहुत जरूरी। आखिरी गेंद देखे, रिवर्स स्विंग खेलना चाहते थे, शॉट अच्छा नहीं था, बीट हुए बल्ले। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता राजदीप सिंह जडेजा साहब, उसके बाद में एक बार फिर सतुबा और उनकी सारी टीम, अल्टीमेट इवेंट मेकर पल्लवी नायर और एक बार फिर टेनिस क्रिकेट .in। 4 ओवर के बाद 24 गेंदों में आपको बनाने हैं 62 और आने वाले 24 गेंदों की अद्भुत कहानी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे रीजन कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर।
34 for 3 ऐश्वर्य सुर्वे नए ओवर की शुरुआत करेंगे, मुंबई कस्टम्स के प्लेयर हैं। आते ही उनकी पहली गेंद पर जन्नाटेदार शॉट और ये लगा सिक्स। फोर्टी फॉर थ्री, 40 for 3 इस बार ऑफ साइड पर खेला, एक रन पूरा किया स्कोर 41 for 3। दीपक गढ़वी अभी अभी जुड़े हैं रनों के अभियान में, शकील कुछ समय बिता चुके हैं, दीपक 3 for 8 स्कोर 41 for 3। MUCC संबलपुर के सामने बालाजी क्लब राजकोट बी की चुनौती है। इस मैच की विजेता टीम को 11 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। आप देख रहे हैं आर्यर फाउंडेशन एवं राजदीप सिंह, अनिरुद्ध सिंह, जाडेजा रिबड़ा द्वारा आयोजित आर्यर कप। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और कैच छूट गया, 6 रन दीपक गढ़वी। ऐश्वर्य सुर्वे को आज बेड़े में शामिल किया गया है, 21 गेंदों में 49 रन। जड़ में आती हुई गेंद और स्टीयर कर दिया है, बॉल जा रही है वाइड स्कोर पॉइंट की ओर, यहां विकेट गिरते गिरते बच गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अगर तेरे मुकद्दर में बचना लिखा है तो तू बचेगा, दुनिया की कोई ताकत फिर तुझे रोक नहीं सकती। 49 for 3 बहुत रिस्की रन था शकील का। तेज कदम भागते हुए दीपक गढ़वी, दीपक अभी भी प्रज्वलित है, बुझा नहीं है। 49 for 3 शकील 12 for 19 स्ट्राइक ले रहे हैं ऐश्वर्य सुर्वे के सामने। बेहतर बॉल ऑफ स्टंप के जरा सा बाहर, अनिश्चितता के गलियारे में टपा खाती हुई बॉल उमर खान के दस्तानों में कैद हुई। 5वें ओवर की अंतिम गेंद, स्विचेट लगाने का प्रयास और इसके साथ ही ओवर समाप्त। लेग बाय का इशारा, 5 over 50 run 3 wicket। दीपक गढ़वी 3 for 8, शकील 14 for 19, 18 गेंदों में 46 रन चाहिए, 18 balls 46 to win। 4 बड़े towering 6 लगाने पड़ेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ये 4 6 लगाने के लिए ऐसी गेंदें भी तो मिलनी चाहिए। दीपक और शकील दोनों बात करते हुए आपस में, दोनों के चेहरे पर एक दाढ़ी आप देख सकते हैं। विराट कोहली ने जब से दाढ़ी बनाने की शुरुआत की, जिलेट कंपनी का सेल डाउन हो गया, हर कोई बढ़ा रहा है। 18 गेंदों में 46 रन, 1 match bade nazuk mode पर और ऐसे में एक बॉलिंग परिवर्तन।
अक्षय पाटिल को गेंद थमाई गई है, एक अलग ही मास्टर शॉट। बालाजी क्रिकेट क्लब राजकोट, तो मोनिया नाम है उसका, मोनिया 2.0 अलीबाग। लेकिन सामने अगर आप देखें तो एक बहुत ही मशहूर और मारूफ क्रिकेटर आते ही स्वागत है मोनिया का। स्ट्रेट सिक्स जेपी ज्वेलर्स 6। जेपी ज्वेलर्स में जाएं या वजूभाई ज्वेलर्स में जाएं, आपको हर प्रकार के ही सोना चांदी जवाहरात सब मिलेंगे। हीरा माणिक मोती नीलम पुखराज पाचू पोहड़िया लसणिया गोमेद सब मिलेगा। ऐसे यहां पर हर प्रकार के शॉट्स शकील के बल्ले में है। 56/3 17 बॉल 40। अब ये बहुत ज्यादा डरिंग कर लिया उन्होंने, 16 गेंदों में 39 रन, 16 balls and 39 runs to win। स्ट्राइक पर अब दीपक गढ़वी, कल रात के हीरो, 3 balls 16 जिसने बनाए, क्या वो 16-39 नहीं बनाएगा? वेट एंड वॉच। स्वीप किया लेकिन देखिए कुछ नहीं, इसको हमारी मुंबईया भाषा में बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना। मुंबई के स्लैंग अपने अपने एक अलग है, मच मच मत कर ये हमारा मुंबई का स्लैंग है। अब बिल्कुल सीधे बल्ले से ड्राइव लॉन्ग ऑन पर 1 रन, थोड़ा रुक कर खेलना पड़ रहा है क्योंकि हर बॉल को आप बाहर नहीं मार सकते। 14 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है, अगली 2 गेंदें बहुत निर्णायक हैं। 14 गेंदों में 38, 2 में से 1 बॉल पर कम से कम बड़ा शॉट आना लाजमी होगा। वाइड बॉल 14 गेंदें 37 रन, 14 balls 37। माहौल पूरी तरह से गर्म है, 22 मई की सुबह में आपका स्वागत है, भरपूर ऑक्सीजन वाली हवा। इस बार उठा दिया और यहां पर लपक लिया, आउट हो गए। साइड होते हुए डम डम डिगा डिगा कैच लेता हुआ जिगा जिगा। देखिए सब कुछ नवजोत सिंह सिद्धू नहीं बता सकते, बिजी है इसलिए इंडिया में दूसरे लोग हैं। तेरह गेंदों में 37 रन चाहिए, 59 रन बने 4 विकेटों के नुकसान पर। छठे ओवर की आखिरी गेंद, शकील के आउट होने के बाद अब नए बैटर है हितेंद्र सिंह जाडेजा, सौराष्ट्र के गिर का शेर, और शेर के आते ही लखन भैया भी खड़े हो गए। इंद्र जाने जाने लगा दिया, बड़ा चौक चौका।
आते ही छक्का जड़ दिया, ये सिक्स बहुत जरूरी था। अब 12 गेंदों का खेल शेष है, हाईफाई देते हुए दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को, 12 गेंदे 31 रन और 12 गेंदे 31 रन इस मैदान पर हो सकते हैं। दोनों कच्ची प्लेयर खेल रहे, कच्ची में कहते इकड़ीज गल विंजो विंज, विंजी नाक भाई आज है। तो देखिए कच्ची और सिंधी में भी कई समानता है भाषाओं में। 12 गेंदों में 31 रन, नया ओवर शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर आ रहे हैं अब्बा। ऐश्वर्य के सामने हितेंद्र सिंह जाडेजा और दीपक मढवी गढ़वी, हूँ जरा जो तो बता ऊँगमा से कि जागे से समझी गया। कलाकारनी कला से कोलाड़ो मिठो कच्चड़ो ओलाड़ो मिठो। 11 बॉल 25, ऐश्वर्य रामनारायण सुरवे, सामने बैटर है दीपक गढ़वी। इस बार बॉल हवा में, कैच आउट का खतरा, बॉल ने टप्पा खाया वहां पर और दो रन पूरे करने में कामयाब रहे दीपक गढ़वी। दस बॉल 23 रन, 10 balls 23, मिडल ऑर्डर को मजबूती के साथ पकड़ कर रखा है दीपक गढ़वी ने। 10 balls 23, रिस्की रन है और रन पूरा किया गया। 9 गेंदों में 22 रन, अगली 3 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 में से एक बॉल पर कम से कम बड़ा शॉट चाहिए। 2 पर आया तो क्या बात है और 3 पर आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले। 9 बॉल 22, इस बार कवर बाउंड्री के ऊपर से लगने वाला ये चाबुक शॉट 6 रन। जितेंद्र जाडेजा, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। जैसे मुसीबत में राजदीप सिंह खड़े रहते हैं वैसे हितुबा खड़े हैं। 8 गेंदों में 16 रन, बालाजी क्लब राजकोट भी वनराज सिंह गोहिल इनकी टीम है। ताकतवर शॉट, बोल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। राजकुमार, अपना तो एक ही उसूल है, प्यार 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 या तो फिर मार मार मार। 7 balls 12, टन टना टन 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 टारा, 7 balls में चाहिए 12। गौशाला की गाय को चाहिए घास का चारा,
और बालाजी क्लब बी को चाहिए 7 बॉल में 12। बन गए अगर 7 बॉल में 12 तो फिर बोलो तारा रारा। इस बार इनसाइड आउट शॉट 4 रन। तो हितु जाडेजा को लखन भाई की ओर से 5,100 रुपए का अवार्ड है। क्या बात है हितेंद्र जाडेजा, हम वहां खड़े होते हैं जहां मसले बड़े होते हैं। आखिरी ओवर करेंगे प्रसन्न पाटिल, जिस तरह डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस करती है वैसे दीपक गढ़वी का इंतजार 11 खिलाड़ी कर रहे हैं। दीपक और हितु 6 बॉल 8। दीपक और हितु, दीपक ने हितु आपने बल्ली ने मैच जीतू। 7,000 लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर और मैदान पे लगभग 10,000 लोग हैं। 6 बॉल 8 दीपक गढ़वी और 6 रन। जितने भी इंडिया में टीमें हैं मैं बता दूं, पिछले 2 महीने में इंडिया का सबसे बड़ा फिनिशर दीपक गढ़वी है, द बिगेस्ट फिनिशर ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट इन लास्ट 2 मंथ्स इज दीपक गढ़वी। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हदों को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे। 5 बॉल 2। बिगेस्ट फिनिशर ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार 5 बार 12 बार दीपक गढ़वी। कल 3 बॉल में 16 और आज व्हाट अ बैटिंग। पांजो माड़ू आए, व्हाट अ बैटिंग। कच्छ के 2 बहादुर क्रिकेटरों ने यह कर दिखाया। मैच समरी, जिमी दरबार 17 बॉल 33, मोनिल 9 बॉल 23 नॉट आउट, योगेश पेंडकर 9 बॉल 9, रजत मुंडे 10 बॉल 9, वीरूपा वाघेला 2 ओवर 11 रन 1 विकेट, आशीष आगरकर 2 ओवर 38 रन 1 विकेट, अंकित कल की 2 ओवर 16, शौर्य